इन्हीं इन्हीं व्लॉग में आज भी कपड़े शुरू कर दिए, क्या बोलूंगा यार, इन्हीं कपड़ों में आज भी व्लॉग शुरू कर दिया। लोगों का ड्रीम है कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करें और मतलब एक अच्छी लोकेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करें, फलाना गाना पीछे चलता हो डिकड़ा। लेकिन मतलब सबसे अच्छी जो पिकअप लाइन है वो तो यही है, डाबर आमला तेल छोरी फेयर एंड लवली ला दूंगा, ना दोगे तो खूब लगाइए तेरी मौज करा दूंगा। साला रिटेक लेना पड़ा क्योंकि मतलब किंग सचिन ने ऐसा बैंगर ड्रॉप करा था, किसी ने इंटरव्यू देखा हो तो, वो ये ब्रो वाज फ्रस्ट्रेटेड बट वेंट फॉर द किल। पहले तो किंग ने कहा मुझ में नहीं आता, फिर एमिनम का वर्जन 2.2 देखने के लिए मिला हमें किंग के अंदर। और मैंने भी गलती से डायरेक्ट टंकी से पानी पी लिया, इतना खराब पानी। अरे यहाँ का तो बहुत खराब है यार, ब्रश भी नहीं होता है यहाँ का इतना। यार मतलब एक इतना सा पानी पिया और मुझे ऐसा हो गया मैंने जहर पी लिया हो जैसे, मतलब पेशाब का टेस्ट सच में अच्छा होता होगा। मैं तो और 15 दिनों में गंजा होने वाला बस अगर इस पानी से। मतलब अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बलदेव, हाँ, जिसमें लक्ष्य ने एक बंदे को रोस्ट किया था, तो उसका एक मैंने क्लिप देख ली, तो वो कह रहा कि मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जिनके जिनके बेस्ट फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड होते हुए और वे उनके साथ बैठे हैं, उनको वो कह रहे हैं I'm back guys. हाँ, back from nowhere नहीं, back from my hometown. वैसे अभी hometown में ही हूँ, तो आज तो यहाँ दिक्कत हो गई थी बड़ी, आज यहाँ कैब मिल ही नहीं रही थी। मतलब वो दिखाते ना टाइम, आज दिखाई नहीं रहा था, मैं अपने वाली गाड़ी मंगा ली थी, जैसे ही पापा आए एकदम घर पे तुरंत ही एकदम मिल गई नई कैब। नहीं क्या कैब ऐसे मिली, फिर कैब वाले बता रहा, इसने पूरा दिमाग लड़ा रखा कि भैया मैं हरिद्वार से आया था, हरिद्वार कैब बुक होनी थी दिल्ली की, तो मैं इधर को चल दिया। फिर जैसे ही मैं मुझे फंडने थोड़ा दूर था, आपके वाली बुकिंग आ गई। मैं क्या ब्रो, डेस्टिनी ब्रो, आज तुम्हें मेरे से एंटरटेन होना है, अभी मैं तुम्हें रोस्टिंग सिखाऊंगा ना ब्रो। लेकिन अभी भाई उतरे पुड़िया लेने के लिए, हंस रहा मुझे, कह रहा यहाँ रोक के भैया पुड़िया लेनी। मैं ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोएडा, नोएडा लौट चुके हैं, काम का फोन नोएडा आते जा गया, अभी अटेंड करेंगे रुको, और नोएडा आते ही अब काम पे लग जाएंगे, और अभी अंदर जाते ही छापा मारूंगा, अभी किसी को नहीं पता कि मैं अभी आ रहा हूँ, ना किसी ने पूछा मेरे से, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस देख रहे हो तुम, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अभी छापा मारूंगा कहीं कुछ नशीला पदार्थ या वो दूसरा क्या बोल रहे शराब या शबाब ना मिल जाए अंदर। आज घर से आते ही सीधा स्टूडियो आया हूँ शूट करने, लेकिन वही है कि भाई हमें क्यों बता रहा है, हमारे इसमें क्या फायदा, लेकिन तुम्हारे ही फायदा है भाई, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है भाई, मुझे क्या मिल रहा है भाई ऐसे कंटेंट बनाने से, तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें मजे आ रहे हैं, तुम्हारा टाइम बढ़िया कट रहा है, मेरा तो बढ़िया नहीं कट रहा बिल्कुल भी, तो मेरा एहसान मानना करो भाई। जोमेटो की टेप उखाड़ते उखाड़ते खाना ठंडा हो जाए, पता ही नहीं क्या कुछ कुछ रेस्टोरेंट क्या ही पैकिंग करे यार, इस खाने से ज्यादा टेप लगा के दे दी उन्होंने, टेप का बजट ज्यादा होगा खाने से, इतने के चावल ले लगे, कम से कम भी 6 किलोमीटर लंबी टेप है अगर पूरी को खोल गए। जोमेटो की यह टेप हम इसलिए लगवा है जिससे आपको पता लगे खाना टेस्ट नहीं, बीच में किसी ने खाया नहीं तो खाना खा के भी लगा देगा एक आदमी टेप, टेप बता थोड़ी देगी मैं उतरी थी पहले नहीं उतरी थी, मजा मतलब टेप खाने का वो बिगाड़ दे, अब भी उतरी नहीं पता पिछले 20 मिनट करने की नहीं, अभी से मुंदा धरूंगा मैं फिर इस पे और या बेड पर दैट देसी लग जाएगी घूम के। पर भाई यहाँ तो कहना जीवन बेकार ही है, घर पे इतनी मौज आ रही थी, घर पे जो है खाना इतना खाया जा रहा था ज्यादा ही। अब एक और नई जगह से हमने कढ़ी चावल मंगाए तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। हाँ मैं अपडेट दे दूँ, सुबह जो आंटी आई थी कल के व्लॉग में देखा होगा, वो शाम में नहीं आई, हम फिर कल नहीं बुलाएंगे। हमारे जो चैनल का नाम है वो मास्टर शेफ इंडिया रख रहे हैं भाई, क्या ही हो गया, शेफ पंकज जी बुलानी पड़ेगी यार। अजय भैया इस टाइम मुझे कोड दिख रहे हैं, अजय भैया ने तो अपना वो बोल लिया यूट्यूब चैनल बोल लिया, कंसल्टेंसी बोल लिया एक भाई ये मेरा रूम जो है ऑस्ट्रेलिया बनता जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरह स्पाइडर्स इंसेक्ट इतने दिखते हैं, और फिर मुझे इन पर दया आ गया, अब इसके बच्चे घर पे वेट कर रहे होंगे, कुछ अपनी मौत का एहसास तो हुआ एकदम से रुका है। सॉरी मैंने उन्हें अभी 1 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होता। विंडोज लैपटॉप स्पेशली ओल्ड ये जो टफ सीरीज के लैपटॉप्स हैं दे आर लिटिल पीस ऑफ शिट, कोई जरूरत नहीं है भाई ये लैपटॉप्स खरीदने की, रीजन मैं तुम्हें भी बताऊंगा। विंडोज लैपटॉप का सीन ऐसा है भाई कि कुछ काम नहीं कर सकते, अभी मैं सिंपल नोट्स राइटिंग का काम कर रहा है इसमें क्राफ्ट में, और ये काफी ऑप्टिमाइज है अपने आप में, बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा, वाईफाई का इतना इशू है ना कि वाईफाई कनेक्ट ही नहीं होता। साला 2 मिनट लेट जाओ तो इन टी शर्ट पे सलवटे आ जा, हम तो यही कह रहे हैं दोबारा प्रेस करके। जो है रात के 12 बज के सब सो चुके और हमारा जो है काम का टाइम हो चुका, अब घर की सफाई चली गई। हमारी जो काम वाली है वो क्या कर रही, यहाँ ऊपर से सीढ़ियों से पूरा कूड़ा यहाँ डाल दे और पूरे इसके पीछे इकट्ठा हो रहा है, अब दिखाऊंगा तुझे, इस पे तो पूरे पे ही कूड़ा ही कूड़ा है, जैसे बाद में साफ करेंगे। अब देखो तुम आज और जलवा दिखाता हूँ, और हमें लग रहा था जैसे स्टूडियो कितना साफ है, काम वाली को तो बिगड़ना पड़ेगा जल्दी वहां से हटो, ये काम वाली भगती दिख रही है मुझे, मैं तो सोच रहा यहाँ इसी चीज के ऑडिशन शुरू कर दें, कुकिंग और सफाई के, मुझे तो सफाई करती हो दिख नहीं रही, मेरे तो रूम में भी ऐसे कैसे ही पूरा कूड़ा है, पीछे खड़े होकर कराना पड़ेगा कल काम, वो पीछे में भी सामान तोड़ताड़ दें, ये देखो तुम जरा
ये सारा पीसी पे ईयर रिंग पे नहीं आ रहा है। देख भाई मामला से चमका तो अब मैं मान रहा हूँ कि इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिमांड मेरी है किसी आंटी उंटी की। आपकी इतनी डिमांड देश भर में चर्चा के लिए क्यों हो रही है? अरे झाड़ू है अपनी झाड़ू और कपड़ा है अपना इसलिए। चलो कल हाँ। ऑडिशंस है क्या? फिर लगेगी सुबह गेट के बाहर भीड़। काम वाली जाएंगे। आई एम टायर्ड मैन कल। लेकिन मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा कल जो बड़े लेवल पे ही छोंक मारेगा के मतलब हिला देगा वो ऐसा रख के फ्लैट में धुआं धुआं कर दे कुकिंग से अपनी। मुझे दिख रहा है कल कोई पोटेंशियल वाला आ रहा। मुझे कोई 5-star होटल का शेफ 19-20 साल का लड़का दिख रहा जो पतला सा खच 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 है ना। पार्ट टाइम कुकिंग कर रहा हूँ साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ यूपीएससी की बस क्लियर हो जाए तो हमें भी वहीं रख ले। व्हाट अ ट्रांजिशन बग गाइस हियर। भाई तेरी तो नौकरी लगी तू जा के नहीं रहा यार। मैंने सब जगह गीत गा दिया मगर उसकी नौकरी लग गई तू जा ही नहीं रहा। तू रोज वडोदरा जावे हाथ लगा के वापिस आ जा। कब गया था तू अभी लास्ट? 14 में गया था 15 में वापिस आ गया था फिर मैं कल 17 में गया और आज फिर वापिस आ गया। अब मैं 21 में फिर जाऊंगा मैं 22 में फिर वापिस आ जाऊंगा। कैसा है कैसा माहौल लगा वडोदरा का? नहीं यार है ना गुज्जूज हैं पूरे मस्त सिटी एक नंबर। मैंने कह रहा 1500 रुपए में रूम रेंट पे मिल सके बहुत ठाड़ा और खाना तो कहना वहाँ 100 रुपए में टट्टी काट दें गुआ गुआ के। गुज्जूज का तो देख मामला लगी है। आज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे पोस्टिंग हुई ना मेरी थोड़ा गेस्ट हाउस में रुक गया था उन्हीं के गेस्ट हाउस है उनका पीछे पूरी कॉलोनी है और फिर गेस्ट हाउस में रुका था 130 रुपीज में घर से भी बढ़िया खाना। और गेस्ट हाउस का रेंट क्या है? गेस्ट हाउस में रूम भी है डॉर्मेट्री भी है। रूम का रेंट था एक दिन का 400 रुपए का। डॉर्मेट्री का 100-150 होगा? डॉर्मेट्री तो नहीं यार मौज ही है क्या ना यार ऊपर से गुज्जूज वहाँ सुंदर सुंदर वो अलग। तो तेरा पब्लिक डीलिंग में होना चाहिए कुछ कोई मोटा भाई की मोटी बहन फंसा दे वहाँ बढ़िया अपना वही है रिश्वत वही है यहाँ और कुछ नहीं। गुजरात में कोई क्राइम तो कर नहीं रहा होगा कुछ से रिश्वत मांग लेंगे दारू सप्लाई करोगे कर ही रहे होंगे साला कोई ना कोई तो कर ही रहा। लेकिन यो काम तो उनका हो ना ये तो वो देखे दारू का काम तो उनका कौन सा डिपार्टमेंट हो। अरे यार ये जो हमारे यहाँ मिल के बाहर बैठे रहे गाड़ियों में जिन मिल में दारू बने उनके बाहर नहीं बैठे रहते क्या? भूल गया मैं साला एक अलग डिपार्टमेंट रहा इसका। यूपी में सबसे ज्यादा नहीं क्या मुझे फंडा कर मल्टी टाइम गाड़ी घूमो जा कोई साला अंदर से फैक्ट्री से बोतल ना निकाल लावे। अंदर कितनी पी लो अंदर अलाउड है? अंदर तो चाहे पेट भर के लिखड़ गया बाहर बिना ठप्पा लगे नहीं जाने की एक भी बिकने मालिक भी नहीं पी सकता फैक्ट्री का। तो याद आ गया एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज वाले करते हैं कंट्रोल। एक एक्साइज की गाड़ी हर दारू फैक्ट्री के बाहर खड़ी रहे डेली चेकिंग हो नौकर जब जावे वहां से उनके जूते वूते बैग वैग सब चेक करेंगे बोतल तो स्मगल नहीं कर ली। और भाई देख हमारे यहाँ काम वाली नहीं है वो तुझे पता चली गया होगा मुझे लग रहा है वो खा लें। सबसे बढ़िया तो ये हो आज तो साला काम वाली का तो कोई सा ब्लॉग खोल लो। हाँ काम वाली दो तीन शुरुआत में काम वाली आ नहीं रही तो देख आ नहीं रही दुख तो है पेट खराब हो रहा लेकिन खुशी भी इस बात की है कि कंटेंट मिल रहा तो काम वाली ने कहीं ना कहीं हमारा फायदा ही करवा रखा। बट यार अब चाहिए वही है लक्ष्य अब सीरियस हो चुका है मामला। बस कोई नहीं मिल रही मैं सोच रहा शादी कर लूँ एक तो मैं ऐसे ऐसे मारता रहूँ यार ये इससे क्या हो ना कि आज भी वो जोक देख रहा था मैं एक ना एक मीम चल रहा बहुत तगड़ा। एक तो साली मूंछ जो है ना ये बढ़िया तरह कटवानी पड़ेगी अजीब। एक मैं मीम देख रहा था उसमें एक जगह ना वो सिग्मा मेल वाली मीम थी वीडियो प्ले हो रही थी मेरा बाप जो बेल ट्रीटमेंट देता है और एक तरफ ना एक अंकल यू नचन लग रहे थे बच्चों की सुनने वाला बाप अपने बच्चों को समझने वाला बाप वही वाला नहीं है सच बात नहीं बेल ट्रीटमेंट देने वाले पेरेंट्स सबसे अच्छे हों जो बहुत ज्यादा समझाए ना फिर उनके बच्चे कैसे हो जाए दिक्कत ही करते हैं बाल रंगीन करवाने लगे बचपन में यूं बताने लगे मम्मा है वो बॉयफ्रेंड क्योंकि पापा ने कभी अलमारी में बेल्ट नहीं दिखाई ना लटकी हुई कितनी लंबी लटक रही बाप की बेल्ट भी तो 1 फुट लंबी है। मैं आज नाप रहा था पापा की बेल्ट से अपनी बेल्ट मेरी होगी 4.5-5 फुट की पापा की बेल्ट है उससे भी 1.5 फुट लंबी। मगर एक गेम में जिसमें 1000 रुपए मुश्किल से बने उसमें 45,000 का मैच लगा लिया बग्गे ने भी देखते हैं बग्गा आज नाम ऊंचा करेगा जट्टों का या बस। कौन है सामने कौन से देश का खिलाड़ी? इंडिया नहीं है चल फिर तो हार थोड़ी सी अच्छी लगेगी। वैसे इस गेम में पाकिस्तानी बहुत मिले हैं ओपन अच्छा करा बग्गा ने भाई एक और 6 लगाओ या बॉलिंग कर रहा बग्गा अच्छा 2 लाख रुपए बग्गे ने 90,000 कमा दिए एक ही बारी में तो क्या बात है यार यहाँ खेल रहे हैं मैं तो 500 का मैच लगाऊं बॉलिंग प्रैक्टिस करो जाऊं लाइफ टाइम नहीं कमाए इतने तो कभी का बक्की। अरे सन्नी पाजी गदर 2 ने गदर ही ठा रखे सन्नी पाजी इस टाइम वही हो रहा है इस टाइम जो पहली गदर के टाइम हुआ था वो ट्रैक्टर ट्रोली ले ले जा रही जनता। सन्नी पाजी नहीं आदमी को आदमी मान रही हूँ करे उंगली जिद्दी हूँ चुप चुप वाली सन्नी पाजी लेकिन ऐसा लगे की मन किन देते जैसे अपने
चांटे ज्यादा मार देगी। कोई सा तुम ऐसे देखी कोई सा नगदर टू मूवी? तो लोग एवरेज ही बता रहे कि बस ठीक ठाक ही है। ट्रेलर देख के तो मुझे एवरेज ही लगी थी। तू सन्नी बाजी हेटर दिखे है? नहीं मतलब मुझे ऐसी मूवी लगी थी ट्रेलर देख के कि अगर 2005 में रिलीज होती तो उस हिसाब की थी। बग्गे कितने तथ्य थुक्के गए यार सुबह से शाम तक। इतनी मेहनत हमने करी यार, बढ़िया जगह बग्गा जान लग रहा वडोदरा। अच्छा मेहनत हमने करी बहुत ज्यादा शिफ्ट होने में घर से बार बार, कि हम पहले निकल गए थे ना घर से तो हम तक नहीं जा पाए अच्छे स्टेट में, तो फिर भी चला गया। पर मैं ऐसी बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोएडा। नोएडा से अच्छा तो कुछ ही नहीं। नोएडा से अच्छा कुछ नहीं है, मैं कह रहा स्टेट में कंपैरिजन कर रहा, वो यूपी में सबसे अच्छा नोएडा ही है ना। ये न्यू इंडस्ट्रियल ओखला पता यार, तू ये देख आयरनी देख। क्या ही कहूँ, नोएडा भी यूपी में ही है। समझ आर बाउरी काज लॉय। अच्छा पान। हाँ पान पराग मसाला यार, यूपी बड़ा हो वही है। देर आर टू यूपीज। हर शहर का आदमी मानता नहीं, अपने आप को तो समझे। देखो हम बड़े हैं, नहीं जा रहे। यो मैंने ऐसी बात कह दी कि आज कमेंट्स में एंगेजमेंट 500 ही बनेगी सिद्धि। जब कमेंट कमाने लगे ना तो लोगों को शहर के नाम पे ऑफेंड कर दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शहर क्यों बेस्ट है, फिर हम बताएंगे हमारा। मतलब जो आदमी जहाँ से भी है वो अपने शहर की तारीफ करो। और ऐसा करो जैसे तुम ब्रांड एम्बेसडर हो उस शहर के। आओ यहाँ पे हम ये कराएंगे वो कराएंगे, इस तरह से एक वो दो। लेकिन देख एक ऑनेस्टी हमारे अंदर है। मुझे फंडनगर की हम कभी ओवर तारीफ नहीं करते। यूं कहें कि नोएडा यूं है तो मुझे फंडनगर यहाँ है, पर कहीं तो है। अच्छा तू एक जगह बता, एक देश बता जहाँ तू नोन है, अच्छा नोन देश है, कभी ओमान पोमान बताने लगे, जहाँ तू बिल्कुल नहीं जाने का। यार देख पाकिस्तान आंसर नहीं होना चाहिए। नहीं वो नहीं तो ऑब्वियस है वो तो। मतलब ऐसा है कि लोग जावे अच्छा घूमे लेकिन तू नहीं जाने का, तुझे नहीं हैपनिंग लगता। यार देख मतलब लोग कहेंगे तू गया नहीं यार, ये है वो है। मैंने एक वीडियो देखी थी इटली की। और बस इटली मतलब इटली बस इतना ही आंसर जैसे खतोली। लेकिन इटली में चोरी चकारी भी बहुत है। पेरिस की भी देखी थी देख, लेकिन मैं जहाँ जाने का नहीं, मैं लंदन नहीं जाने का ना, यूके जाने का। यूके मतलब हाँ। तुम बताओ आजकल पेरिस की वीडियो चल रही है वैसे वो क्या, पेरिस को लोग बहुत एस्थेटिक बतावे, ये बतावे वो बतावे, उनको कुछ भी नहीं है। यूरोप पे ना सारे पे चल रहा है कि यूके तो पूरा ही, यूके तो देखा पूरा ही थोड़ा गंद मच चुकी है यूके के अंदर तो। यूके तो नहीं है अब घूमने लायक। पहले एस्थेटिक समझते हैं, लोकल फूड नहीं है वहाँ पे कुछ भी, सब यूएस ब्रांड है सारे के सारे, मैकडी वैकडी है वहाँ से और कुछ नहीं है। तो तू कौन से देश नहीं जाने का? मैं यूएस नहीं जाने का। यूएस अरे काम नहीं चलने का, काम नहीं चलने का, किसी ना किसी बहाने से जाना ही पड़ेगा। यूएस तो यूएफसी देखने जाने पड़ेगा। नहीं यूएफसी देखेंगे अबू धाबी।